नागौर के शांतिनगर निवासी शक्तिनाथ सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर कर दी हत्या। झामुमो महिला मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह का पुतला जलाकर किया विरोध। मांडू के शांतिनगर निवासी शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही उसके भाई अमरनाथ सिंह की बासुकीनाथ में गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी। वहीं आज बेखौफ अपराधियों ने शक्तिनाथ सिंह उर्फ डब्लू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने घर के सामने टहल रहे थे। इस बीच अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोली चलाई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिटी एसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं। जमीन विवाद से संबंधित मामला लग रहा है। अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या का कारण क्या है और कौन लोग शामिल हैं। एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई, उसी के क्रम में जो है हम लोग घटनास्थल पे आए हुए हैं। उन लोगों के द्वारा अभी आवेदन दिया जाएगा और कुछ लोगों के ऊपर उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और उन्हीं लोग की धरपकड़ में पुलिस लगी। हम दृष्टया उन लोग के द्वारा अप्लीकेशन जब लिख के दी जाएगी तो उसमें मतलब कुछ ज़मीनी विवाद जैसा समझ में आ रहा है फिलहाल, तो उस पर बाकी फर्दर अनुसंधान होगा तो क्लियर हो। कि बाकी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ऐसा है कि जहाँ तक पता चल रहा है टू व्हीलर से आए थे वो लोग, और बाकी देखिए हम लोग सीसीटीवी खंगा लेंगे जैसा दिखेगा। वो एक अमरनाथ सिंह करके थे, उनके बड़े भाई हैं जो है, तो ये एक सरकारी मुलाजिम ही थे, एक जगह सिंचाई विभाग में ये छोटा बाबू के पद पर कार्यरत थे। झामुमो महिला मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर विरोध जताया। कहा भाजपा विकास विरोधी है। झामुमो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रवती मतो ने कहा कि झामुमो सरकार महिलाओं के लिए मैया योजना समेत कई योजना चला रही है, लेकिन भाजपा के लोग विकास काम में बाधक पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर आज झामुमो महिला मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। ये जो बीजेपी सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और के द्वारा जो इतना हम लोगों का महिलाओं का मान सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना इतना महत्वपूर्ण योजना चालू किए थे, उसका इधर विरोध कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, क्या आप लोगों ने बीजेपी सरकार जो पहले से बोले थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, क्या बीजेपी सरकार 15 लाख दी है? हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने 1000 रुपया देकर हम महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो ये इसका विरोध जो वो लोग जो काम कर रहे हैं, सच में हमारी झारखंड की जनता के लिए वो इतना खराब काम कर रहे हैं। जो हम लोग आज सड़क पर सब महिलाएँ सभी दल से सभी गांव देहात में सभी शहरों में हम लोग सब महिलाएं एक जुट होकर निकल चुकी हैं कि हमारे मान सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। महिला मोर्चा जिंदा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद आज पोटका क्षेत्र विधानसभा का दौरा किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों से मिले। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से चंपाई सोरेन का स्वागत किया। बता दे पोटका क्षेत्र के दौरे के दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि हम कुल्हान के दौरे में निकले हैं, लोगों और कार्यकर्ताओं का प्यार मोहब्बत काफी मिल रहा है। आज पोटका विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए हैं। वहीं झारखंड में विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। संथाल परगना में आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ काफी बढ़ गई है। राज्य का अहम मुद्दा यह बन गया है कि उसके बाद संथाल का भी दौरा जल्द करेंगे, आदि कई बातें कही। काल भी जिस तरह हमारे चाईबासा रोड में काफी संख्या में समर्थक तक, और आज भी हम यहाँ जब आए हैं तो यहाँ भी सैकड़ों संख्या में हमारा समर्थक है। ये राज का परिवर्तन का लहर है। हम जहाँ जरा गांव में रुक रहे थे, गांव में भी उसी तरह कहीं हम रुक रहे तो उसे सैकड़ों तो हमारा हजारों की संख्या में हम स्वागत कर। इसीलिए परिवर्तन के लहर है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह बनगा जो विश्वास किया ये वही, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में भी हम सदस्यता ग्रहण किए और झारखंड को विकास
भारतीय जनता पार्टी ही कर सके। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि चंपाई सोरेन जी को कोल्हान का शेर कहते थे, अब वह सर्कस का शेर बन गए हैं, जिसे भाजपा वाले ने पिंजरे में कैद कर लिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी वह कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों बहुत हो गया है, लेकिन जब तक 5 महीने मुख्यमंत्री रहे तब तक भाजपा को गाली देते रहे, अभी भाजपा के सारे वैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने मधुकोड़ा के बारे में कहा कि पहले वो कदाचारी थे, बीजेपी में आने से सदाचारी बन गए हैं। इस तरह कई लोग पहले कदाचारी ही थे। भाजपा ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसके पाउडर में और मशीन में डालने से लोग स्वच्छ हो जाते हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी अपना अलग दल बल बनाए, मेहनत करके 4-5 विधायक भी खड़ा किया, लेकिन उस पर भाजपा की हमेशा गिद्ध दृष्टि रही और उसे अपने में मिलाते गए और इन्हें निहत्ता कर दिया। बाबूलाल जी कहते थे कि हम भले ही कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होंगे, हम तो मनाते हैं कि उनके पैरों में भी मोच ना आए। नहीं नहीं, हम बोलचाल की भाषा में आदमी बोलता है। हमने कहा कि जेएमएम के लोग कहते थे कि चंपाई सोरेन जी टाइगर हैं, तो हमने कहा कि टाइगर तो चंपाई सोरेन जी जेएमएम के लोग कहते थे, लेकिन सर्कस मैदान में ले जाया गया टाइगर को और भाजपा ने अपने पिंजड़े में कैद कर लिया और पिंजड़े में कैद करके रिंग मास्टर की तरह जो है उनको सर्कस का शेर बना दिया है। अब 5 महीना मुख्यमंत्री थे, उनको एक दिन भी बांग्लादेशी घुसपैठी वगैरह और ये सब कुछ दिखा नहीं, लगातार वो भाजपा के विरोध में बोलते रहे। अब चूंकि उनको जो है ये बताया गया है, रिंग मास्टर ने कहा है कि अभी ये ही मुद्दा पे बोलना है, तब जो है सीधा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कोई गलती नहीं है, भारत सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अरे सीमा की सुरक्षा करने का दायित्व तो किसका है? भारत सरकार का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। तो यदि देश की सीमा में इसराइल के टाइप का यदि लोग घुस जाएगा, आतंकवादी घुस जाएगा, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? भारत सरकार की होगी। तो 5 महीना ये सीएम थे, तो इन्होंने इंटरनल एक दो भी आदमी को नहीं पकड़ा। अब इनको बताया कि भाई यही बोलना है, इसी लाइन पर चलना है, इसी लाइन पर ही आपको जो है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है। तो ये सब तो खैर राजनीतिक बातें हैं। मरीज के परिजनों की सूचना पर भाजपा नेता विमल बैठा पहुंचे माचा अस्पताल, 108 एम्बुलेंस से मरीज को भेजा एमजीएम अस्पताल। क्षेत्र के घोड़ाबांधा गांव निवासी जगन्नाथ सिंह ने मंगलवार अपने बीमार पिता हेमंत सिंह को इलाज कराने माचा सीएससी पहुंचे। ओपीडी में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा था। इस बात की जानकारी मरीज के परिजनों ने भाजपा नेता विमल बैठा को दिया। खबर मिलते पर अविलंब माचा अस्पताल पहुंचकर मरीज का हालचाल लिया। उन्होंने बीमार हेमंत सिंह के इलाज हेतु चिकित्सक से मिलना चाहा, लेकिन एक भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था। इसके बाद 108 एम्बुलेंस में बीमार व्यक्ति को एमजीएम अस्पताल भेज दिया। विमल बैठा ने बताया कि 30 बेड का अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहना आश्चर्य की बात है। उन्होंने बताया कि सरकार गरीब लोगों के इलाज हेतु करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी अस्पताल का यह दुर्दशा होना दुर्भाग्य की बात है। अस्पताल में ऑपरेटर के अभाव में एक्सरे मशीन बेकार पड़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अभी भी पश्चिम बंगाल या जमशेदपुर जाना पड़ता है। विमल बैठा ने इसकी शिकायत जिले के सिविल सर्जन से करते हुए अस्पताल में सुधार की मांग की है। सिविल सर्जन ने भाजपा नेता को बताया कि पटमदा में 2 पंचायतों में आयोजित सरकार अपने द्वार शिविर में मेडिकल टीम जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। आज माचा अस्पताल जहां एक पेशेंट हेमंतो सिंह जो घोड़ाबंदा बांसगढ़ का रहने वाला है, उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी, तो उनके पुत्र द्वारा ये मालूम चला कि माचा अस्पताल हम लेके आए हैं मगर यहां पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग जमशेदपुर से यहां तक पहुंच गए, उसके बाद भी यहां डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी में हम लोग घुसे जहाँ डॉक्टर नहीं है, हमने सिविल सर्जन को ही फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं पता करके बता रहा हूँ। तो ये हॉस्पिटल किसके भरोसे चल रहा है? या तो अब इस अस्पताल को बंद कर दीजिए, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।